स्वर्गीय इंद्र सिंह यादव की स्मृति में हाउसिंग बोर्ड औद्योगिक क्षेत्र स्थित दुर्गा मंच में एक शाम पिताश्री के नाम का आयोजन किया गया। यहां व्यासपीठ विजय शंकर मेहता द्वारा एक इंसान के जीवन में पिता के महत्व को कथा के जरिए बताया गया। अवसर था वरिष्ठ कांग्रेसी व समाज सेवी धर्मेंद्र यादव के पिताश्री स्वर्गीय इंदल सिंह यादव के पुण्यतिथि की पूर्व संध्या का। जी हां, हम सब के जीवन में माता की भूमिका तो अतुलनीय होती है, पर पिता का योगदान हमारे जीवन में अलग ही अंदाज से होता है। पिता बड़े संघर्षों से जूझते हुए हमारे पालन पोषण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है और अपने पिता को मानने वाले उनके जीते जी तो आदर्श मान सेवा करते ही हैं, वहीं उनके मरणोपरांत भी उन्हें स्मरण कर जीवन में उनके कार्यों और योगदान को याद कर उन्हें अपने जीवन में जीवित रखते हैं। हम बता दें कि अपने स्वर्गीय पिता की स्मृति में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र यादव ने क्षेत्र के लोगों को सौगात दी है और वो सौगात थी व्यासपीठ विजय शंकर मेहता जी के मधुर प्रवचनों की। जी हाँ, समाज सेवी व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र यादव के पिता स्वर्गीय इंदल सिंह यादव की स्मृति में एक शाम पिताश्री के नाम का आयोजन भव्यता से हाउसिंग बोर्ड में किया गया। यहाँ महापौर नीरज पाल, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र यादव, जिलाध्यक्ष मुकेश चंद्राकर सहित वरिष्ठ गणमान्यों की उपस्थिति में मधुर प्रवचन कथा व्यासपीठ विजय शंकर मेहता द्वारा श्रवण कराई गई। सर्वप्रथम अतिथियों का स्वागत सम्मान परंपरा अनुसार किया गया, तत्पश्चात पिता के महत्वों को बताया गया। तो चलिए अब थोड़ा विचार ये करते हैं कि मां के गर्भ में 9 माह वो शिशु करता क्या है और उस समय उसका पिता उसके साथ कैसे चलता है। अगर बाहर का दृश्य देखें तो पिता ने एक बार अपनी भूमिका निभाई और वो हट गया, उसके बाद मां ने संभाला, तो क्या पिता इतना ही होता है? 9 माह उस शिशु ने गर्भ में जो भी गतिविधि करी, हर गतिविधि में पिता साथ में चला है। थोड़ा दार्शनिक बात है पर ध्यान से सुन के चलिएगा। जब पहला महीना होता है उसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं और उसी में उस भ्रूण का, उस शिशु को भ्रूण कहते हैं, उसका सिर बन जाता है। यहीं से परवरिश आरंभ होती है, यहीं से उस बच्चे के भीतर का पिता रूप ले लेता है। और मैं आपको 9 महीने में 9 पिता और 9 पुत्रों की बात सुनाऊंगा। इस पाद भूमि की धरा में अपने प्रवचनों का मधुर सार श्रवण कराने विशेष रूप से यहाँ पधारे व्यासपीठ विजय शंकर मेहता जी ने अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर दी। वही समाज सेवी व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जो कि आयोजन करता थे, उन्होंने भी इस तरह की जानकारी दी। मेरे पिताजी हमेशा भजन और इसमें कीर्तन में रहते थे, तो उसी कड़ी में उनके पुण्यतिथि पर मैंने कल एक शाम पिता के नाम पर एक पंडित विजय शंकर मेहता जी का व्याख्यान था हाउसिंग बोर्ड में, जिसमें कॉलोनी वासियों ने बहुत बड़े पैमाने में सबने उनकी कथा सुनी और भोग भंडारे का वितरण हुआ। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि माँ पिता की सेवा हमेशा जीवन भर करो और शिक्षा दो आने वाले जनरेशन को भी कि हम लोग को अपने पूर्वजों को और अपने समाज में सब लोग आगे अच्छे से, मतलब इस परंपरा को बढ़ाएं, कि ये नहीं कि हम क्योंकि जिस हिसाब से पिता हमको पालन पोषण से लेके पढ़ाई से लेके हर चीज़ में अपना तकलीफ छुपा के भी अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो हम बच्चों का भी फर्ज है कि पिता के नाम से कुछ ना कुछ हम लोग को करना चाहिए। बस मेरा यही संदेश है। पिता एक व्यवहार सिखाता है और माँ परिवार में रहना सिखाती है, तो पिता संसार में रहना सिखाता है। और उसी विषय पे आज ये कार्यक्रम था कि कैसे गर्भस्थ शिशु में पिता भी 9 महीने की यात्रा करता है। नूह के धर्मेंद्र यादव जी, देवेंद्र यादव जी, उनके परिवार के सदस्यों ने उनके पिताजी की स्मृति में हिंदल सिंह जी यादव जी की बहुत सुंदर कार्यक्रम किया। और अभी तो बात भी हुई है कि भगवान ने चाहा तो हम
उनकी जो पुण्यतिथि होती है 1 अप्रैल, तो अगले वर्ष भी ऐसे ही स्मरण करेंगे पितृ स्मरण। बहरहाल यहाँ बड़ी संख्या में शामिल लोगों ने मधुर प्रवचन सुना व अपने जीवन में अपने पिता के योगदान व कार्यों की अहमियत को जाना। निश्चित ही ऐसे आयोजन संस्कार को दर्शाते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट।